2018 की शैली को और ऑप्टिमा 2022। ये पहला कंटेंट है आदरणीय श्री प्रणय सहाय महानिदेशक एडीजीस सेक्टर आईजीस डायरेक्टरेट एवं अन्य इंस्टीट्यूशन से आए अधिकारीगण अधीनस्थ अधिकारीगण और बल के बहादुर जवानों तथा महिलाएं, मेरे लिए आप सभी का इस बड़े खाने एवं सांस्कृतिक पेड़ के लिए मेरी सभी कॉन्टिजेंस को बधाई है। मैं एक बार पुनः आप सभी का इस आयोजन में हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। अपर महानिदेशकगण, सीनियर अधिकारीगण, विभिन्न परेड कंटिजेंट्स, उनके अफसरान, सबसे पहले मैं कल की 1 तारीख की परेड के लिए, एनिवर्सरी परेड के लिए आप सबको मुबारकबाद देता हूं। बहुत ही सुंदर परेड रही। उसके पहले भी एक दो बार आया था तो थोड़ा सा मायूस था कि बहुत अच्छी नहीं हो रही है, लेकिन कल जो प्रदर्शन था, अगर मुझे अंक देने होंगे तो 10 में से कम 9 अंक जरूर मैं दूंगा। आधे एक अंक अभी बाकी हैं। सामने रिपब्लिक डे 2013 आ रहा है, उसके अंदर मैं समझता हूं कि हमारा बल जो है सर्वश्रेष्ठ बल रहेगा और मुझे इसके बारे में कोई हिचक नहीं है। मैं समझता हूं हम सब लोगों के सम्मिलित प्रयास से, और जो उस दिन परेड करेंगे 26 जनवरी 2013 को, निश्चय सीआरपीएफ को उस समय भी बेस्ट कंटिजेंट का प्राइज मिलेगा। मेरी शुभकामनाएं उन सबके साथ हैं। बड़ा खाना का आयोजन हमेशा एक जीत की खुशी पर, एक त्यौहार के खुशी पर साथ मिलकर, कल्चरल प्रोग्राम वाले थे उनको मेरी तरफ से 25,000 रुपये अलग से इनाम देता हूँ। मैं आशा करूँगा कि इस तरह का जो देश का एकाकीपन इस बल में दिखता है वो हमेशा दिखता रहे, और यह प्रदेश वह स्वदेश, यह जाति वह जाति, इस तरह की बातें कहीं ना हो, है भी नहीं इस बल के अंदर। तो बहुत बहुत इस कार्यक्रम के लिए जो
जिन लोगों ने इसको आयोजन किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जो कल्चर प्रोग्राम के कंटिजेंट के जो कड़गम के हैं उनको मैं फिर से मुबारकबाद देते हुए उनको इनाम देता हूँ। माननीय डीजी साहब, आप हमारे बीच में आए, आपने आज के समारोह में मुख्य अतिथि होना स्वीकार किया, उसके लिए मैं सभी सीनियर अफसरान की तरफ से, एसओस की तरफ से, जवानों की तरफ से आपका दिल से धन्यवाद करता हूं और आभार प्रकट करता हूं। आप हमारे बीच में आए, आपने आज इस फंक्शन की शोभा बढ़ाई, अपने विचार प्रकट किए और हमारा मार्गदर्शन किया आपने, मैं उसके लिए भी आपका धन्यवाद करता हूं और उम्मीद रखूंगा कि भविष्य में हमें हमेशा आपसे मार्गदर्शन मिलता रहेगा। जहां तक कल्चर प्रोग्राम का सवाल है, डीजी साहब ने जो उसकी तारीफ़ की है उतने अच्छे शब्द तो मेरे पास नहीं है, ठीक है, साथ दिया है उन सबका इसके लिए धन्यवाद देता हूँ, उनको बधाई करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में इस तरह से ही वो कार्य करेंगे। अंत में एक बार फिर मैं डीजी महोदय साहब का अपने सभी लोगों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप हमारे बीच में आए और आपने हमारे समूह की शोभा बढ़ाई, धन्यवाद जी।